19 साल पहले आई इस फिल्म में रवीना टंडन ने किया था नेगेटिव रोल, बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप और टीवी पर हिट हो गई थी यह फिल्म। आज हम आपको ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज तो हो गई थी लेकिन टीवी पर आज भी इस फिल्म को कलर्ट फिल्म माना जाता है। बॉलीवुड की कई फिल्म ऐसी रही है जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के बहुत सारे रिकॉर्ड बना डाले है लेकिन जरूरत नहीं है कि हर फिल्म को हिट या ब्लॉकमास्टर का ही टाइटल मिले। कुछ फिल्में ऐसी भी रही है कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही है लेकिन टीवी पर उन्हें कलर्ट फिल्म माना जाता है। आज हम आपको ऐसी ही फिल्म के बारे में बताने वाले हैं जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर हो गई थी लेकिन टीवी पर आज भी इस फिल्म को कल्ट फिल्म माना जाता है। इस फिल्म का नाम तकदीरवाला है। तकदीरवाला में कादिर खान, असरानी वेंकटेश, गग्गुवती, रवीना टंडन और शक्ति कपूर जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में थे। यह फिल्म 1995 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। तकदीरवाला एक कॉमेडी फिल्म थी। इतना ही नहीं, तकदीरवाला का यम है हम और अक्कुम बक्कुम डायलॉग आज भी लोगों के दिलों को जीता है। इस फिल्म का निर्देशन के मुरली मोहन राव ने किया था। हिंदी सिनेमा पर तकदीरवाला फ्लॉप फिल्म साबित रही थी। हालांकि अन्य भाषाओं में इस फिल्म ने ठीक ठीक कमाई कर ली थी लेकिन तकदीरवाला के हिंदी सिनेमा में फ्लॉप होने के बाद उन्होंने हिंदी फिल्म से लंबे समय तक दूरी बना ली। यह फिल्म सिर्फ 30 दिनों से में बनकर तैयार हुई थी। यमराज के रोल में कादर खान को आज भी याद किया जाता है। वहीं तकदीरवाला में शक्ति कपूर ने छोटा रावल का रोल किया था जिसे खूब पसंद किया गया था। तकदीरवाला आज के समय में टीवी की कलर्ट फिल्मों में से एक है। वेंकटेश और रघुमती की इस फिल्म का बजट करीब 3 करोड़ रुपये था।